हाय जनाब, आप लोगों को सबको जुमा मुबारक हो। बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। बहरहाल आइए, मैं आज शलवार कमीज़ पहनने जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं शलवार कमीज़ में आपको आज का व्लॉग शलवार कमीज़ में बनेगा, तो आज शाम का, सॉरी, तो ये शायद आप कल देखें। ठीक है, तो मैं इसमें लास्टिक डाल रही थी, लास्टिक मिलने ही था ना, और लाती मुश्किल से लास्टिक मिला, तो नाला पोनी पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। अब नाला पोनी में ब्रश से डाल रही हूँ। ब्रश के साथ में ये रंग करने वाला ब्रश रखा होता आप बाल में, तो मैंने उसके साथ ही डाला है। और लो जी, अब कैंची मुझे ढूंढनी पड़ेगी, और एक कैंची। अब इसको यहाँ से कट करती हूँ। अरे हाय, तो गिरा लगाना बड़ी मुश्किल है सच्ची। तो माशाल्लाह चौड़ा लास्टिक है, तो दिल कह रहा है इसको सिलाई मार लो गिरा की जगह पे। वही लग गई, लग गई। ये ज्यादा खुला नहीं डल गया, चलो कोई नहीं। कैसे भी अब इसको पहनने में लोग तैयार करूंगी जनाब आपका। अस्सलाम वालेकुम जनाब, एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। ले जी, मैं आ गई हूँ आज शलवार कमीज में आप सब लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक। एंड यू आई मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में कि मैं शलवार कमीज में कैसी लग रही हूँ। ठीक है, तो आज का व्लॉग होगा शलवार कमीज के अंदर। तो बहुत से कमेंट आए थे कि आप शराब में वीडियो क्यों नहीं बनाती, शराब में वीडियो क्यों नहीं बनाती। तो मैंने सोचा आज का भी लोग आपको शराब में ही बना के बताती हूँ। ठीक है, तो मेरा बेटा कर रहा कलरिंग कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी मैं थोड़ी देर पहले मैं शुरुआत के अंदर से लास्ट डाल रही थी, तो तब भी मैंने आपसे शेयर किया कि उस वक्त मैं अभी नहाने लगी थी, उससे पहले मैं लास्ट डाल रही थी शुरुआत के अंदर। मैं क्या आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि कैसे मैंने, मैं ये एक सूट काफ़ी दिन पहले आपसे शेयर किया था, मैंने ये स्टिच किया, तो मैंने अलमारी में हैंग किया हुआ था, तो दिल नहीं कर रहा था क्योंकि ये लीलन कपड़ा है, गर्म कपड़ा नहीं है, और लीलन आपको पता ठंडी होती है, गर्म नहीं होती, तो ये फिलहाल सर्दियों का मौसम है, तो क्योंकि सवार बहुत ज़्यादा था सवार में इसका, तो इसलिए मैंने कहा आज पहन ही ली जाए। कुछ जुमा था, और अव्वल सबसे बड़ी बात कि आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, क्योंकि जुम्मे का दिन ऐसा बाबरकत दिन आता है कि इसमें बहुत सुकून मिलता है और दिल को ठंडक मिल जाती है। तो चलें, आज मैंने करनी है कबर की सफाई। सफाई से मुराद है कि सेटिंग शेटिंग मैंने सेट करनी है। ठीक है, और बाहर से मैंने जो है ना वो साफ करना है अलमारी। ठीक है, तो चलते हैं। और एक बात तो मैं कहना भूल ही गई कि आप सब लोगों का जो मुझसे तहे दिल से मेरे साथ है और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका तहे दिल से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के साथ से, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। लव यू ऑल। मैं आ गई हूँ कब्र की तरफ। ठीक है, एंड शायद आप लोगों को नजर भी आ रही होगी कि मैं नहीं पूरी, क्योंकि आगे बेड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुझे
मुझे बताना जरूर, क्योंकि मुझे बहुत जस्टिस हो रहा है आप लोगों के कमेंट पढ़ने के लिए कि मैं शुरुआत नींद में कैसी लग रही हूँ। ठीक है, तो ये बेखबर की हालत हुई है, तो मैंने सोचा इसको मैं सीधा पुधरा करके रख दूं। ठीक है, अलमारी का गेट भी सही से नहीं रहा। हाय, अभी मिक्सर से इस तरह करके मुझे रखने पड़ेंगे और ये मुझे टोकरी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। इसका ठिकाना मुझे लगता है ऊपर बनाना पड़ना, पर ऊपर तो आनी नहीं है। चलें देखते हैं कहाँ सेट होती है ये। ये दुपट्टा मुझे थोड़ी देर के लिए साइड पर रखना पड़ेगा, बड़े प्यार से मैंने इसको इस्तेमाल किया था। तो वाह, बिस्तरों को तो हाथ लगा के ना तो खुद सर्दी लग रही है सच्ची में। ये टोकरी में फालतू कपड़े डाल दिए जाए, नीचे भी पड़े हुए थे। हाय हाय, कुर्जा पहले दूसरे को पैर रखती इसके अंदर। हाँ ठंडी हो गई है सच्ची में। टोकरी का एक फायदा तो हो गया ना, इसमें थोड़ा सा सामान आ गया। क्योंकि मेरे कपड़े इतने ज्यादा तो होते नहीं, अब ज्यादा प्रेस करके रखूंगी, ये हैंगर ज्यादा ले आऊं तो फिर प्रेस करके भी ज्यादा रखूंगी। मैं क्या तो ये सारे एक साइड पे ही आ जाएंगे। गलियां कंबल वो तो नीचे ही गिर गया। Thank you.
काफी रस में लगे अभी ये डाउन हो रही है, थोड़ी से थोड़ा सा काम करूँ ना तो थक जाती हूँ। ये तो हो गया एक कोट रैग, ये मैंने मेहरून कलर का कोट लिया था चंद दिन पहले। चलें ये तो यहाँ सेट हो गया। ये सराहना भी इसके अंदर ही लगी थी, बाहर हेयर लगा वैसे। थोड़ा सा टेबल सर खींचना पड़ेगा। ये चीजें इसके अंदर रखो। बच्चों में बाहर इस तरह की है सारे ये खिलौने की जो डबल मरबल हुई हुई है सारी इसकी जो खिलौने शरीफ इसमें यहाँ पर रखे हुए हैं। अब ये ही सर है
से नीचे बहुत जल्दी गिर जाती हूँ मैं। शायद आप नजर पड़ रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट तहे बताए सीधी रखी गई हैं। अब मैं थक गई हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा काम करना अच्छा लगा, और मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, मुझे तो लग रहा था शायद मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं होगा, तो लेकिन फिर भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत कर लिया है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें। और मुझे दें इजाज़त, अपनी आशीष को दुआ में याद रखिएगा।